क्या सही लग रहा है ना। वाओ यार, पहाड़ देख के जो खुशी मिलती है ना, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। Sleepless nights, so tired of it. I can't get you off my mind, can't forget it. Now I know what I've got to do is find my way back to you. Hey, why did it take you so long? कैसे बादल उड़ रहे हैं सड़क के ऊपर, अगर इसमें कैमरे में दिख रहा है तो। पूरा का पूरा बादलों के अंदर से ऐसे निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा घने नहीं है लेकिन ऐसे बादल उड़ रहे हैं यहाँ पे रोड पे। गाइस अभी हम रुके थे यहाँ पे चाय नाश्ता करने। अभी मंडी से हम एक डेढ़ घंटा दूर हैं, तो एक डेढ़ घंटा लगेगा मंडी पहुँचने के लिए। मनाली यहाँ से 180 किलोमीटर, हाँ 180 किलोमीटर बचा है। तो अब नाश्ता हो गया अपना और यहाँ से निकल रहे हैं, अब सीधा चलते हैं आगे। हॉल्ट होगा सीधे मंडी, मंडी या फिर देखते हैं कुल्लू कहीं रुकेंगे, जहाँ पे भी लंच के लिए, क्योंकि लंच टाइम तक शायद मनाली नहीं पहुँच पाएंगे। जैसे अब बिलासपुर से थोड़ा सा आगे आओगे, यहाँ पर दो रास्ते आते हैं, एक ऊपर को जाता है और एक नीचे। तो नीचे वाला आपका रास्ता जा रहा है चंबा वैली और धर्मशाला की तरफ, और ऊपर वाला जो आपका जा रहा है वो है मंडी मनाली, और बोर्ड लगा हुआ है तो आप नीचे मत चले जाना अगर आप मनाली के लिए जा रहे हो। ये देखो, जैसे ये गाड़ी वाले भैया, इनको जाना था ऊपर लेकिन ये गलती से इस तरफ आ गए, अब वापस ले रहे हैं। तो मैं भी वैसे गलत ही खड़ा हूँ, चलो ओके। क्योंकि ये एकदम यार टर्न पर है, जैसे रोड जा रही है तो बहुत ज़्यादा हो चांसेस होते हैं कि आप लेफ़्ट की तरफ निकल जाओगे नीचे की तरफ, तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। तो अभी यार मौसम खुल गया है, यहाँ पे धूप निकल आई है, तो अभी थोड़ी गर्मी लगने लगी है मुझे यहाँ पे हेलमेट में और ये जैकेट में। बाइक चलती है तो सही है, बाइक थोड़ी स्लो हो जाती है जैसे कि अभी जाम लग रहा है थोड़ा थोड़ा, तो बहुत गर्मी लगने लगती है, पसीने पसीने आना शुरू हो जाते हैं। अभी भी काफ़ी लोग आ रहे हैं मनाली, कई लोग जो ले जाने वाले हैं लद्दाख करने वाले हैं वो आ रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा सा जाम लगा हुआ है, रोड थोड़ी टूटी हुई है, तो काफ़ी पीछे तक लाइन लगी है मेरे यहाँ पे, लेकिन बाइक होने का एक फ़ायदा है, साइड से जाम से बंदा बच जाता है। तो अभी ये गाड़ी निकलेंगी तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, ये गाड़ी होती तो वहाँ तक खड़ा रहना पड़ता पीछे तक। अभी गर्मी हो गई है बहुत ज़्यादा, अभी बाइक का टेम्परेचर भी मेरा 42 दिखा रहा है, इतना नहीं है, ये तो बाइक गर्म होने की वजह से दिखाता है, इसका सेंसर ख़राब है। ये है यार हमारे यहाँ का वेदर रिपोर्ट, पूरे हफ्ते थंडर स्टॉर्म दिखा रहा था, और यहाँ देखो धूप निकली हुई है गंदी वाली, पता नहीं क्या रहने वाला है आगे। और टाइम हो गया है अभी 11:40। ओह गॉड, तो यार ये थोड़ा सा जाम नहीं है, बहुत कीचड़ कीचड़ है यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन हो रही है पूरी और पूरा नीचे स्लश हो रखा है क्योंकि ये लोग यहाँ पे ड्रिल कर रहे हैं। आई थिंक रोड चौड़ी करने का काम चल रहा है यहाँ पे, तो उस वजह से थोड़ा सा रास्ता ख़राब है और मेरे जूतों पे कीचड़ लग गया है बहुत ज़्यादा और जूते फिसल रहे हैं। अब चलो निकल गए। ये लड़का वही है जो दो दिन पहले ट्रिप पे आना नहीं चाहता था, इनफैक्ट कल तक भी इसका प्लान नहीं था, ये गोली देने की कोशिश कर रहा था। एक तो अभी आया नहीं है हमारे साथ,
और इसकी भी पूरी तैयारी थी गोली देने की, लेकिन बस ये आ ही गया किसी तरीके से मन मार के, और अब देखो कैसे नाच रहा है। यार फिर से जाम लग गया है, थोड़ा यहाँ पे रोड ख़राब है, फिर को पहाड़ टूटा हुआ है पूरा। 100 किलोमीटर रह गया मनाली और 3 घंटे के लगभग टाइम और दिखा रहा है अगर ट्रैफिक ना मिले, लेकिन बीच बीच में कुछ पैचेस पे दिखा रहा है ट्रैफिक। वो बहुत गर्मी हो गई है यार, एकदम वेदर चेंज हो गया है, जो एक्सपेक्ट किया था वो तो बिल्कुल भी नहीं है, जो ऑनलाइन दिखा रहा था उसका तो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया है। इतनी गंदी गर्मी हो गई है यहाँ पे कि बाइक नहीं चल रही है। सामने वहाँ पे काले बादल हैं ऊपर पहाड़ पे, देखो कैसे बादल हो रहे हैं, पता नहीं है वो कौन सा एरिया है, शायद मनाली में बारिश मिले हमें। एक तो यार यहाँ पहाड़ों में ना ये गूगल आंटी सठी आ गई है, बिल्कुल कुछ नहीं समझ आ रहा है इसको, लेफ्ट मुड़ना होता तो कहती टेक अ राइट, और पता नहीं कहाँ कहाँ के रूट दिखा रही है, इसको गर्मी में दिमाग ख़राब हो गया है इसका। ये देखो चाचा कहाँ चल रहे हैं, एम्बुलेंस को जाने दो। ये जितने भी दूर के हिल स्टेशन हैं ना, और यहाँ जो पहुँचने का सिस्टम रहता है ना अपने घर से, बस वही सबसे बड़ी मुसीबत है। वहाँ जाके तो मज़ा आता ही है, पर ये रास्ता ही तो मेन चैलेंज है। ओ गॉड फिर जाम लग रहा है, आइए जाइए, चलो हम भी निकलते हैं भाई, बाइक होने का फ़ायदा उठाते हैं, और खड़े होके चलानी पड़ेगी बाइक, ऑफ रोडिंग। ये देखो बाइक होने का बहुत ही शानदार फ़ायदा, कहाँ थे हम और कहाँ से कहाँ आ गए डायरेक्ट, बारिश की वजह से ऐसे चांसेस बन रहे थे कि गाड़ी लेके आनी पड़ती, बट एक यही कारण था जिसकी वजह से मेरा मन नहीं था। अब बाइक है तो देखो कहीं भी रुकने की ज़रूरत नहीं है, आप साइड से निकाल सकते हो आराम से जब तक कि दूसरी साइड से गाड़ी नहीं आ रही, और यही अगर आपके पास गाड़ी है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको लाइन से ही चलना पड़ेगा। एक गाड़ी यहाँ फंसी हुई है, लेकिन जब तक ये आएगी हम निकल जाएंगे। बहुत बढ़िया अंकल, जाने दो हमें, थैंक यू। और ये गाड़ी आ गई सामने से, और हम यहाँ दबा लेंगे अपनी बाइक, और अब फिर हम निकल जाएंगे। यार इतना बड़ा पहाड़ है ना सामने, वाओ। मनाली 49, मणिकरण राइट पे 31, गुंतर एयरपोर्ट 2.5, जहाँ की हमें नहीं जाना है, हमें जाना है सीधा मनाली की तरफ। कल हम आएंगे मणिकरण, कल नहीं परसों। गाइस हम पहुंच गए हैं मनाली, तो यार ये देखो ये है वो जगह जहाँ पे प्राइवेट बसेस की पार्किंग होती है, तो जितनी भी आप वॉल्वो दिल्ली से आती हैं या कहीं से भी आती होंगी उन सब की यहाँ पे पार्किंग है, तो वो आपको यहीं पे उतारेंगी, और यहाँ से आपको जाना है ऊपर, ऑटो कर लो आप या क्या कर लो। तो गाइस फाइनली वी आर इन मनाली, वूहू। टाइम पता नहीं अभी क्या हो रहा है, कितने बजे हम पहुँचे हैं, तो लेकिन बस अब जाते हैं फटाफट ओल्ड मनाली, अपना होटल लेते हैं। अभी भी कितनी भीड़ है यार गाइस, देखो भरा पड़ा है।
मैं जितनी बार मनाली आया हूँ इनके पास ही रुका हूँ भैया के पास। मुझे तो बढ़िया लगता है यार ये होटल, कोई बहुत ज़्यादा लग्जरी होटल नहीं है लेकिन फिर भी मुझे तो बहुत बढ़िया लगता है। और ये बंदे भी बहुत बढ़िया हैं। यहाँ भी जाम लगा हुआ है। पहले ये रोड खाली सुनसान रहती थी और अभी देखो पैदल चलने की जगह नहीं है यहाँ पे। चलो वेलकम टू ओल्ड मनाली। ये रास्ता ऊपर जाता है हडिम्बा टेम्पल जो कि हम जाएंगे थोड़े टाइम बाद। ये नीचे रास्ता जाता है क्लब हाउस की तरफ और मनु टेम्पल की तरफ और यही है अपना होटल भी। तो यार यहाँ भी पूरा जाम लगा पड़ा है। रिवर की हालत देखो कितना सही फ्लो हो रहा है ना। Hey guys, तो नहा धो लिए यार हम और अब जा रहे हैं हम ओल्ड मनाली घूमने। तो अभी थोड़ा लाइट कम हो गई है तो ये भी नहा लिए बेचारे, जो ये भिखारी सा लग रहा था थोड़ी शक्ल निकल आई है इसकी। तो यार आज तो बैंड बज गई यार, इतना जाम और इतने ख़राब रास्ते, बुरी हालत हो गई बहुत ज़्यादा। लेकिन ये है कि हाँ नहाने के बाद थोड़ा सही फील हो रहा है। तो अभी हम रुके हैं ओल्ड मनाली में। ये मेरा पुराना होटल है जहाँ पे मैं हमेशा रुकता हूँ, मनालसू। लेकिन अब ये स्लीपी पांडा बन चुका है। तो अगर आप नेट पर सर्च कर रहे हो स्लीपी पांडा के नाम से, मनालसू भी आपको सर्च करोगे तो मिल जाएगा। और बाकी मैं इनका भैया का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इनके पास डॉम्स हैं, प्राइवेट रूम्स हैं, होम स्टे भी है। तो और बहुत सही लोकेशन में ओल्ड मनाली में, बिल्कुल ही आइसोलेटेड जगह और कोई शोर शराबा नहीं कुछ नहीं। ओल्ड मनाली अपने आप में बहुत अच्छा है। तो अगर आपको यहाँ पे रुकना है तो मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो यू कैन कॉन्टैक्ट हिम। ये देखो यार रास्ता होटल के लिए जो आता है, गाड़ी यहाँ नहीं आ सकती। आप अपनी बाइक यहाँ तक ऊपर कहीं किनारे पे लगा सकते हो, काफ़ी सारी बाइक्स यहाँ पे खड़ी हो जाती हैं। तो अगर यहाँ आ रहे हो यार, ओल्ड मनाली की एक अलग ही वाइब है। अगर आपको ओल्ड मनाली आना है तो आप अगर आओगे तो आपको पता चलेगा। देखो एक बार मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। ये वो मेन रोड है ओल्ड मनाली का, यहाँ बहुत सारे कैफेज और शॉप्स हैं ये देखो शॉपिंग के लिए। और ज़्यादातर सारे कैफेज में लाइव म्यूज़िक वगैरह चलता रहता है तो आप वो भी इन्जॉय कर सकते हो। जैसे ये देखो और बहुत ही सही क्राउड है। आप बैकपैकर्स और सोलो ट्रैवलर ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। ये भाई साहब देखो जैसे गोवा आए हैं घूमने, बारिश के मौसम में ठंड में ये निक्कर में घूम रहा है। अभी जब टेम्परेचर गिरेगा तभी से पता चलेगा। वो खरीदा वो लंबा सोता नहीं है, वो मिलेगा। मैंने परफॉर्म किया था यहाँ पे फिर कैफे बंद हो गया। ऐसी बात नहीं है भाई, जब हमने परफॉर्म किया था ना ये पूरी गली यहाँ इकट्ठी हो गई थी। बात कर रहे हैं मजाक नहीं। तो एक और हमारा दोस्त है अमन, तो भाई वो लड़का वाकई टैलेंटेड है, बस वो थोड़ी लड़कियों वाली क्वालिटीज है उसके अंदर। अगर ये वीडियो देखेगा तो मुझे बहुत गाली देने वाला है। एक ही क्वालिटी है वो भी रूठने की, बुरा मान जाता है जल्दी बेचारा। नहीं मैं बता रहा हूँ ना, हमसे काफी टाइम से बुरा मान गया नहीं हो रही है। हमारी जिंदगी का फूफा और हमारी जिंदगी का जीजा या वो दोनों एक ही है, हमसे पूछो ही नहीं। अभी हम खा रहे हैं रिवर म्यूजिक कैफे पे कॉफी और चाय पकौड़ों के साथ। थोड़ा सही आवाज आती है यहाँ पे नदी की, ये देखो बिल्कुल नीचे नदी बह रही है यहाँ पे और इतनी तेज आवाज आती है पानी की यहाँ पे। और इन्होंने नाम रखा है रिवर म्यूजिक कैफे। ये नेचर का साउंड है यार। और सिर्फ एक यही कैफे, अब तो एक आध और यहाँ पे खुल गया लेकिन पहले ओल्ड मनाली में सिर्फ एक यही कैफे था जिनकी ऐसे नीचे सीटिंग थी, ऊपर इनका कैफे है यहाँ पे और जर्मन बेकरी। अभी आपको दिखाता हूँ न्यू मनाली का क्या हाल है। वैसे मुझे पता है भरा होगा। तो हम हैं अभी मॉल रोड पे, ठीक है। तो मुझे एक मैं तेरे को अभी घुमाऊंगा पीछे ऐसे रोटेट कराऊंगा, तो तू मुझे ना सेंट्रल मार्केट का और मॉल रोड का फर्क दिखाएगा। सेंट्रल मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं, लाजपत नगर वाले, ठीक है मुझे पता। तो यार ये जो भीड़ भड़क्का सा आपको दिख रहा है ये है माल रोड मनाली का, तो बिल्कुल ही दिल्ली की किसी मार्केट जैसे है। पर आज तो फिर भी आपको ये खाली एरिया दिख रहा है क्योंकि आज वीकडे है शायद, और वीकेंड पे तो बहुत ज्यादा रश होता है यहाँ पे। ये ऐसे लोग भी हैं सेंटर मार्केट से यहाँ आए हैं, हिप्पी इन हिल्स। और ये भाई साहब बड़ी खुशी खुशी नीचे आ गए हैं, इन्होंने ऊपर भी जाना है अभी। बेचारे की यही सोच सोच के बुरी हालत हो रही है। तो यार ये है हमारा रूम आज का, तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे डॉर्मेट्री है, चार बेड, दो इधर दो इधर, और हम तीन लोग हैं लेकिन चारों ही अपने पास है, चौथा कोई है नहीं यहाँ पे। तो हमें उन्होंने पूरा कमरा ही दिया है। ये वॉशरूम है और ये देखो बाहर बैल्कनी, अभी रात हो गई है। तो ये रहा है बैल्कनी, यहाँ पे सेटिंग है, यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं अपना। और ये नीचे ही इनका कैफे है जहाँ पे अभी गाने चल रहे हैं।
और वहाँ पे इनका अपने दूसरे रूम्स हैं। तो आपको मैं होटल का टूर कल देता हूँ। और मस्त हवा आ रही है यहाँ पे अभी इस टाइम पे, टेम्परेचर काफ़ी कम हो गया है अब, अच्छा लग रहा है कि हाँ आपको लग रहा है कि वापस मनाली आए हो। तो गाइस डिनर हो गया हमारा और हम आ गए होटल पे वापस। तो आज बहुत बुरी हालत हो गई यार, बहुत ज़्यादा थक गए हम। ये देखो पीछे कैसे खड़ा है, ये इतना लंबा नहीं हुआ है, ये कुर्सी पर खड़ा है, कहीं आप गलत फहमी मर जाएगा कि ये लंबा हो गया भाई चंद मनाली आके, लेकिन इसकी हालत ज़्यादा लंबी हो गई है यहाँ पे आके। तो कल हम जाएंगे अटल टनल और अगर हो सका तो सिसु तक, तो आपको दिखाते हैं अटल टनल और उसके आगे के नज़ारे। तो आपसे मिलता हूँ अगले व्लॉग में गाइस। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर गाइस, दिस इज जीएस साइनिंग ऑफ, गुड बाय।